नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह राजपूत। सर कहाँ से हैं आप? ग्राम हरिपुरा, तहसील हरसूद, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1 जनवरी 2014 को ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर हम लोग जो भी हमारे माता पिता जो भक्ति करते थे वही करते थे। हम लोग हनुमान जी को हमारी माता जी एक डब्बे के अंदर दीपक रख के बोलती थी कि बेटा हनुमान जी के मंदिर में रखी आओ, तो वो भक्ति करते थे। और हमारे खेत में एक दाना बाबा का ओटला है, उसके ऊपर अमावस और पूनम के दिन हम लोग घी का दीपक चढ़ाते थे, बस यही भक्ति करते थे सर हम लोग। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर ये तो एक बड़ा ही परमात्मा की दया रही है कि मैं तो ऐसे भक्ति से ज़्यादा कोई परिचित था नहीं, पर मेरे ब्रदर जो है, मेरे छोटा वाला भाई है, वो संत रामपाल जी महाराज जी से पहले जुड़ा। उसके बाद उन्होंने मेरे, मैं क्या हुआ कि ये भक्ति करते करते बीच में दारू बहुत पीने लगा था साहब। दारू में इतनी पीता था कि मैं खुद भी परेशान हो गया था और मेरे घर वाले सभी परेशान हो चुके थे। और मैं हर कहीं गिर जाता था, मेरे को उठा के लाना पड़ता सर। मेरी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी दारू पी के। ये भक्ति करते हुए भी मुझे ये समस्याएं आ रही थी। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सर, मेरे जो हमारा भाई राजन प्रसाद, उसने मेरे को बताया कि भैया तुम वहाँ चले जाओ और तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारी दारू भी छूट जाएगी और सब ठीक हो जाओगे। तो उनके बताने के अनुसार ही सर फिर मैं रामपाल जी महाराज जी की शरण में पहुँचा सर। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर सबसे बड़ा लाभ तो मेरे को ज्ञान हुआ, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में मालूम चला कि आध्यात्मिक ज्ञान भी कोई चीज़ है। इसके पहले मैं 0% में था, मुझे कोई भी ज्ञान नहीं था। और मेरे को एलर्जिक प्रॉब्लम थी। एलर्जिक प्रॉब्लम सर ऐसी थी कि मैं चावल खाऊं, मूली खाऊं या प्याज खाऊं या कोई भी फ्रिज का पानी पी लूं, बस पीने और खाने की देर लगती थी कि मैं इतना परेशान हो जाता था कि बस खाने के बाद, मतलब जब तक मैं सिटीजन गोली नहीं खाता था, वो गोली खाने के बाद में भी मैं मतलब बीमारी रहता था और छींक 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 के पागल हो जाता था। पूरा दिन मेरा उसी में परेशान रहता था सर। मैं पहले तो सर मैंने डॉक्टरों को दिखाया था एलर्जी के बारे में। आयुर्वेदिक में भी मैंने बहुत सारी दवाएँ खाई। एक खंडवा के अंदर एक जिनको एक माता जी आती, उन्होंने भी एक मतलब मतर के दी थी दवाई, वो मैंने वो भी पी सर। उसके बाद डॉक्टरों को भी बहुत चेक कराया, बहुत जगह जगह भटका, लेकिन मेरी बीमारी जो एलर्जिक थी वो ठीक नहीं हुई सर। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ जब मैं गया और दीक्षा प्राप्त करी, उसके बाद से बिना दवाई बिना कुछ खाए पिए मैं उसे वैसे ही ठीक हो गया। मंत्रों के जाप करने से ही मेरे को आराम मिल गया। और आज की तारीख में मैं मई चावल जो भी ठंडी चीज़ें फ्रिज का पानी है सब पी सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं सर, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से सर। सर क्या आप नशा भी करते थे? नशा तो सर मैं दारू का करता था और भयंकर नशा करता था। और थोड़े दिन 2-3 महीने 4 महीने तो सर मैंने जो आंटी आती है ना 1 रुपये में मिलती है सनन की, वो भी खाई। और मैंने सर 15 दिन गांजा भी मैंने पिया। और नशा तो मैं इतना करता था कि मेरी ब्लॉक के जितने भी लोग हैं वो मेरे को नशे के नाम से ही जानते थे सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी की जब शरण में मैं मेरे भाई के अनुसार जब गया वहाँ, बताया हमारे भाई ने बताया मेरे को कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में चल जाओ, वहाँ आपका नशा छूट जाएगा। जब मैं वहाँ पर गया सर, तो जिस रोज़ में जब गया तो जब मेरा जाने का दिन था, उस दिन मैंने सोचा कि आप चले तो जाते हैं कि तो नशा छूटता है नहीं तो फिर देखी जाएगी। जब मैं वहाँ पर गया उसके पहले मैंने टिकट ली। टिकट लेने के पहले सर 3-4 पैक मैंने पिए। 3-4 पैक पीने के बाद में फिर हमको इटारसी में एक गाड़ी और बदलना पड़ती जिसका नाम है पतालकोट। पतालकोट में हम बैठे, पर वो गाड़ी थोड़ी लेट थी, इसलिए फिर मेरा एक दोस्त था उसको मैंने बोला कि यार तो एक काम कर, लंबी दूर जाना है, मेरे को ये थोड़ा दारू और ला के दो। फिर उन्होंने एक बोतल और लेके आया और वो दारू हम लेके फिर हम सर वहाँ गए रामपाल जी महाराज जी के शरण में अपने बरवाला।
बरवाला गए सर, रास्ते में फिर हमने वो दारू को खोली और दारू को हमने पी, मैंने और मेरे दोस्त ने। लेकिन सर वो रास्ते में जब हमने वो दारू को पी तो वो दारू उसने आधी पी आधी मैंने पी, पीने के बाद मेरे को वो दारू का नशा ही नहीं चढ़ा, नशा नहीं चढ़ा। तो मैंने सोचा ऐसी कौन सी तूने दारू लाया यार भाई, मैंने कि इतनी अच्छी महंगी दारू है, इंग्लिश दारू है और चढ़ भी नहीं रही, क्या मालूम क्या हो गया है, पता नहीं तूने नकली दारू ले आया, अच्छा अच्छी दारू लेके नहीं आया। सर ये मेरे को रास्ते में से ही फायदा हो गया। जब फिर मैं वहाँ गया सर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी से सर हमने दीक्षा ली सर वहाँ पर। 9 जनवरी 2014 को से जब से मैंने गुरु दीक्षा ली उसी दिन से सर आज तक मैं दारू को छुआ तक नहीं सर, संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कृपा हुई मेरे ऊपर सर। सर आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप नशा मुक्त हो गए, जबकि सरकार लोगों को नशा मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है और कई प्रकार की योजनाएं चलाती है, यह कैसे संभव है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप नशा मुक्त हो गए? संत रामपाल जी महाराज जी के सर जो मंत्र हैं, मंत्र जो देते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, उनके देने से ही सर ये दारू छूट जाती है। जबकि गवर्नमेंट आज शराब छुड़ाने के चक्कर में, जो नशा छुड़ाने के चक्कर में करोड़ों रुपए खराब कर रही है, लेकिन आज तक उनको कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाई गवर्नमेंट। और संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ जाने से, गुरु दीक्षा लेने से ही मेरा नशा छूट गया है और मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। और आज ये जो भी मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं सर, वो जानते होंगे, मेरे ब्लॉक के सभी लोग जानते होंगे कि ये कितना पियक्कड़ था। आज मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ खड़ा हूँ, कोई नशा नहीं करता सर। मेरे को आज 4 साल हो गए, मैंने दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी मेहरबानी हुई सर, इतनी कृपा हुई हमारे ऊपर सर। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी या अन्य किसी परेशानी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो प्रार्थना ही करूँगा कि जो भी भाई नशे से पीड़ित हैं या किसी भी रोग से पीड़ित हैं, बीमारी से पीड़ित हैं, वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए और नाम दीक्षा लीजिए और अपना जीवन का कल्याण कराइए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा सर, जो भी भगत भाई, जो भी लोग इंटरव्यू देख रहे हैं मेरा, उसके नीचे एक पट्टी चल रही होगी, उस पट्टी के ऊपर नंबर लिखे रहते हैं, नंबरों पे आप कांटेक्ट कीजिए और वहाँ पर जो भी नाम दीक्षा साइट आपके जो भी जिले में गांव में होगी वो आपको नंबर से पता लग जाएगा और वहाँ नंबर नाम दीक्षा लेकर के आप कल्याण कराइए। धन्यवाद सर। सर साहब।